छतरपुर में हिस्ट्री शीटर बदमाश को पकड़ने गई पुलिस पर हिस्ट्री शीटर सहित उसके परिजनों ने हमला कर दिया, जिससे सिविल लाइन्स थाने के हवलदार बुद्ध सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें ग्वालियर मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए रिफर कर दिया गया है। वाकया बीती रात का है, जहां हवलदार बुद्ध सिंह और उसकी टीम हिस्ट्री शीटर दीपू जाटव को सटई रोड छुई खदान के पास से गिरफ्तार करने गई थी। जब हिस्ट्री शीटर दीपू जाटव को पुलिस गिरफ्तार करके ला रही थी, तभी उनके परिजनों ने पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया। पुलिस पर हुए हमले में हवलदार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत में कोई सुधार ना होने के बाद उन्हें ग्वालियर मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं इस हमले के मौके का फायदा उठाकर हिस्ट्री शीटर दीपू जाटव फरार हो गया। पुलिस ने हिस्ट्री शीटा सहित उसके परिजनों पर मामला दर्ज कर लिया है। दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, बाकी आरोपी फरार है। कल ही हमारे द्वारा गश्त की जा रही थी, पूरे जिले में कॉम्बिंग गश्त के निर्देश थे। इसी तारतम्य में कल सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत दीपू दिलीप जाटव, जो पुराना वहाँ का हिस्ट्री शीटर है, वर्तमान में इसका अरेस्ट वार्ड निकला हुआ था, इसको पकड़ने के लिए घर में टीम गई थी और इसको जब पकड़ के बाहर ला रहे थे, इसके परिवारजनों ने छत से पुलिस में जीप से हमला किया। तो हमारे स्टाफ के जो व्यक्ति थे, इसमें एक बुद्ध सिंह जो हवलदार है, उनको सिर में थोड़ा ज़्यादा चोटें आई थी, स्टिचेस हैं, फ्रैक्चर है, और इनको अभी कंडीशन स्टेबल है, लेकिन फर्दर ट्रीटमेंट के लिए अभी ग्वालियर इनको रेफर किया गया है। ये रात्रि लगभग 1 बजे की घटना है, जिसमें पुलिस टीम दीपू जाटव करके छुई खदान के पास कोई अपराधी रहता है उसको पकड़ने के लिए गई थी। लगभग 5-6 लोगों की टीम थी, तो उन अपराधियों ने इनके ऊपर हमला बोल दिया और इसमें 3 लोग घायल हैं, जिसमें प्रदीप और बुद्ध सिंह और एक अन्य और आरक्षक गंभीर घायल हैं, जिसमें बुद्ध सिंह गंभीर रूप से घायल हैं और इन्हें ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया गया। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।